रिचेस्ट माइनक्राफ्ट प्लेयर। तो हाँ भाई, आपने सही सुना है, आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और वो भी एस मुकेश अंबानी। तो चलिए ये देखते हैं। और सॉरी, यह वीडियो डालने में थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि मेरा मॉनिटर खराब हुआ था। मैंने कंपनी लोगों को फ़ोन किया, वो लोग ठीक करके चले गए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा एडिटिंग वेडिटिंग किया। मेरा एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर था एडिटिंग का, वो थोड़ा ख़राब हो गया था, और मैंने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, और अभी वीडियो एकदम टकाटक आ रही है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, इस तरफ ये है मेरा आलीशान घर बंगला, जिसे मैंने खुद अपने इन्हीं डब्बों वाले हाथों से बनाया। ये देखिए, यहाँ पर ये एंट्रेंस वन है, ये इस तरफ एंट्रेंस टू, बीच में एक छोटा सा पूल है। ये देखिए, इस तरफ एक छोटा सा पूल है जहाँ पर हम मस्ती के लिए कभी कभार डुबकी भी मार लेते हैं। ये देखिए इस तरफ, ये हमारा छोटा सा जो घर दिख रहा है, यहाँ घोड़े का स्टेबल है। ए घोड़ू, तेरा नाम मैंने क्या दिया था? क्या तुझे भी याद नहीं? भाई मुझे भी याद नहीं, भूल गया। चलिए इस तरफ आते हैं। ये देखिए, ये एंट्रेंस वन से हम अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, ये एंट्रेंस वन है, एंट्रेंस वन का दरवाजा खुल गया, यही से बंद कर देता हूँ। ये देखिए, सब रैक है, जूते रखने का जगह, आर्मर स्टैंड है, यहाँ पर एक लैम्प शेड है, यहाँ पर ये डाइनिंग एरिया है। ये देखिए इस तरफ डाइनिंग टेबल है मेरा, यहाँ पर ये कुकिंग एरिया है, किचन है, यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स लगे हैं छोटे मोटे, यहाँ पर एक बड़ा सा पेंटिंग लगाया है मैंने स्पेशल। ये देखिए अब नीचे आते हैं, ये देखिए इधर कैंडल्स है, तो यहाँ पर एक बड़ा सा सोफा है, एक बड़ा सा टीवी है, यहाँ पर एक दो तीन चार स्पीकर्स है टीवी के, दो लैम्प शेड्स है, एक पौधा है। तो इस तरफ आते हैं। चलिए इस तरफ, ये देखिए, ये हम लोग का बात टॉयलेट है, कमोड है, हाथ धोने का जगह है, यहाँ पर ये देखिए ये दो दो शावर्स है नहाने के लिए। अब इस तरफ आइए। चलिए, ये मेरा रूम है एकदम सामने वाला। ये देखिए, यहाँ पर एक सोफा है, एक चेयर है, डबल बेड है, लेकिन मैं अभी भी सिंगल हूँ। ये देखिए इस तरह थोड़ा लाइब्रेरी की तरह बुकशेल्फ्स है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस तरह बाथटब है, ये स्पेशल मेरे लिए है, यहाँ तीन लैम्प शेड्स हैं। चलिए आप थर्ड फ्लोर पर चलते हैं, वहाँ से देखेंगे हम। वहाँ पर सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, बस दो सिर्फ बेडरूम्स हैं जो हम लोग के गेस्ट के लिए बनाए हैं। ये देखिए, ये सेकेंड एंट्रेंस है, सेकेंड एंट्रेंस में ये देखिए, सेकेंड एंट्रेंस में आ चुका है हम लोग। यहाँ पर कैंडल्स है, एक लैम्प शेड है, ये एक जूते जूते रखने का जगह है, ये थर्ड फ्लोर में आने का सीढ़ी है जो हम चले आए। यहाँ पर आते हैं, ये देखिए ये थर्ड फ्लोर है, यहाँ पर ये ब्लू और येलो का थीम का ये रूम है, जैसे बेड भी ब्लू और येलो, कारपेट भी है, एक बड़ा सा चेस्ट है, एक सोफा है बड़ा सा, एक लैम्प शेड है। इस तरह बात है। चलिए ये देखिए, यहाँ पर हमारा सोफा है, यहाँ पर हमारा चेस्ट है, यहाँ पर हमारा बेड है, ग्रीन और वाइट थीम का, ये एक लैम्प शेड है। इस तरफ आते हैं। चलिए, एक्चुअली यहाँ पर दो बैल्कनी थे, डिवाइडेड बैल्कनी थे। ये देखिए बैल्कनी नंबर वन है, ये देखिए टेबल चेयर सब सजा हुआ है, यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन किया हुआ है इस तरफ बैल्कनी का, और यहाँ पर भी है, ये पर बैल्कनी है, तो यहाँ पर भी टेबल चेयर है, यहाँ पर भी टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन है। यहाँ से सामने ओशियन का व्यू बहुत मस्त दिखता है, ओशियन वाला डिजर्ट का। हाँ, इस तरफ आते हैं। यह बैल्कनी नंबर टू, यहाँ पर भी टेबल चेयर है लेकिन छोटे हैं थोड़े उस वाले से।
यहाँ से हमें माउंटेन का व्यू बहुत अच्छे से दिखाई देगा, ये देखिए माउंटेन, और उस तरफ का वो बड़ा वाला डिजर्ट का व्यू। अब चलिए मैं आप लोगों को अपना सीक्रेट बेस दिखाऊं। ये हम लोग एंट्रेंस टू से नीचे जा रहे हैं, ये ठीक हमारे घर के पीछे। एक मिनट, मैं आपको ये सीक्रेट बेस बनाने में मुझे और ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि पहले सीक्रेट बेस का दरवाज़ा सीक्रेट बनाना था, फिर उसे अब आप चिंता कर सकते हैं कैसे रेड स्टोन, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है वैसे माइनक्राफ्ट में रेड स्टोन कैसे सजाया जाता है, इसलिए उसका भी टाइम लगता है अलग से, फिर आपको छुपाने में टाइम लगता है, इसलिए भाई इतना तो मेहनत किया है। एक लाइक तो मांगना भाई प्लीज़, लोग मुझे पता है आप लोग कर दोगे क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे लोग हो। एमएम फैमिली इज द बेस्ट फैमिली, विन डीजल भी हार मान। ये देखिए हमने मिल गया सीक्रेट लीवर खोला, ये देखिए उनका सीढ़ी नीचे आ गया, ये वाला लीवर बंद कर दे तो फिर आप ऊपर से ढक जाएगा, कोई देख नहीं पाएगा। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर चेस्ट का भंडार है, इस वाले में दे दिया राइट, इस वाले में गोल्ड डायमंड, इस वाले में आयरन, इस वाले में स्टोन और आयरन चेन का, इस वाले में लेदर और गोल्ड का, इस वाले में एन्चेंटमेंट बुक्स है, इस वाले में कुछ वेपन्स हैं, इस वाले में कुछ एरोज है, इस वाले में मेरे रेड स्टोन के कुछ चीज़ें हैं, इस वाले में एप्पल्स हैं, इस वाले में ब्रेड है, इस वाले में कुक्ड पॉर्क चॉप, इस वाले में गोल्डन एप्पल, इस वाले में इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, इस वाले में कुक्ड कॉर्ड, इस वाले में कुक्ड सैलमन है, इस वाले में रोस्टेड चिकन है, इस वाले में और इस छोटे वाले में ये सारे के सारे स्पॉन एग्स हैं। यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल है, यहाँ पर चार एग्स हैं, एक इंचेंटमेंट टेबल है, और मेन चीज तो इस दरवाजे के पीछे है, ये देखिए यहाँ पर चार चार मेन चीजें हैं। ये यहाँ पर नेदर पोर्टल, यहाँ पर एंड पोर्टल फुल्ली चार्ज्ड, एक टाइम मशीन, एक एनीवेयर डोर, सब के सब काम करते हैं, कोई भी बेकार का नहीं है। करते हैं आज के वीडियो को खत्म यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे दिया है उसमें मुझे ज्वाइन कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।